यदि आपको लगता है कि आप अपनी पत्नी को जो है संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको उसके बारे में विचार करना चाहिए। आपको बुखार होता है तो उसकी भी तो दवाई लेते हो, आपको सिर दर्द होता है सिर दर्द की भी दवाई लेते हो, खांसी की भी दवाई लेते हो, जुकाम की भी दवाई लेते हो, तो इस चीज़ की दवाई लेने में इतना घबराना क्यों? और महिलाओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शादी विवाह सिर्फ सेक्स के लिए नहीं किए जाते। आपको अपने पति के हर सुख दुख में सहायक होना चाहिए। यदि उनमें कुछ कमी आ भी गई है तो आप उनको हौसला बढ़ाएं और उनको तैयार करें कि वो जो है इस रोग से मुक्त हों, क्योंकि बीमारियां किसी में भी आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, और ये भी एक रोग है। पर यहाँ पर मैं आपको एक सरल और स्पष्ट सुझाव देता हूँ कि यदि आपके साथ ऐसी कोई परेशानी है तो आप बड़ी सरलता के साथ उससे दूर हो सकते हो, उससे मुक्त हो सकते हो। मार्केट में जाओ किसी अच्छी सी फार्मेसी का या फिर किसी वैद्य से मिल के उनसे नारसिंह चूर्ण बनाइए। नारसिंह चूर्ण का जो संधि विच्छेद है नर धनम सिंह, यानी व्यक्ति को सिंह के शेर के समान बलशाली बनाने की क्षमता रखता है नारसिंह चूर्ण। नारसिंह चूर्ण विशेषकर उन लोगों को खाने की अनुमति दी जाती है जिनकी दो या दो से ज़्यादा बीवियां होती हैं। लेकिन यदि आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप इसका जो है सेवन कर सकते हो, कोई बात नहीं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। नारसिंह चूर्ण जो है आपको एक आधी आधी चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेना है। यहाँ मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा, उन तीन चीज़ों का यदि आप अच्छे से सेवन करते हो तो 100% यदि आपका जीवन डगमगा गया है तो सफल हो जाओगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जैसे नारसिंह चूर्ण आधी आधी चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, यानी लगभग 1.5 ग्राम की औसत होती है उसकी, स्तंभनवटी वीर्य स्तंभनवटी दो दो टेबलेट सुबह शाम, वह भी दूध के साथ, और इन दोनों का कम से कम आधे आधे घंटे का गैप होना चाहिए। दूध बेशक आप इसके साथ थोड़ा थोड़ा ले लें। और फिर अब आगे आती है बात गाय का घी। नारसिंह चूर्ण की तासीर थोड़ी गर्म होती है, वीर्य स्तंभनवटी की तासीर थोड़ी सम होती है, और इन दोनों की तासीर को ठीक लेके आने के लिए इसके साथ गाय के घी का सेवन करवाया जाता है। लेकिन इन तीनों चीज़ों का सेवन करने से पहले आप 1-2 दिन पहले अच्छी तरह से घी खा करके या कैस्टर ऑयल का सेवन करके और इच्छा भेदी रस लेकर के अपने पेट को साफ अवश्य कर लें, ताकि पेट की वजह से आपको कोई समस्या कोई परेशानी ना हो। यदि आपका पेट खराब रहता है तो कब्ज़ की दवाई अवश्य लें, क्योंकि इस तरह की धातु को पौष्टिक करने वाली जो चीज़ें होती हैं ये अच्छा काम तभी कर पाती हैं जब आपका पेट अच्छे से साफ होता हो। और वैसे भी आयुर्वेद में माना गया है कि सब रोगों की जो जड़ है वो पेट है, तो पेट को साफ रखना आपकी जिम्मेवारी बनता है। और ये तीन चीज़ें जो है आपके लिए मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये की होती होंगी, और आपका जीवन यदि आपको लगता है कि डगमगा सा गया है तो वो सफल हो जाएगा। आप इसको ज़रूर लें और अपने साथियों के साथ इस नुस्खे को साझा करें, ताकि वो किसी प्रकार की कोई परेशानी में ना हो और कोई ऐसा जोखिमीय कदम ना उठाएं कि बाद में आपको या आपके परिवार वालों को पछताना पड़े।